इन्फॉर्मेशन, एंटरटेनमेंट, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और लेटेस्ट न्यूज यूट्यूब पर देखने के लिए सब्सक्राइब करें सत्यमेव न्यूज और प्रेस करें यहाँ बने बेल आइकन को, ताकि आप हमेशा हमारे हर वीडियो से अपडेट रहें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यमेव न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानसी आचार्य। ब्रिटेन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ, लेकिन सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। रूपमुनि महाराज का 95 वर्ष की उम्र में हुआ निधन। गुरु रूपमुनि अमर रहे के जयकारे से गूंजा जयतारण शहर। लाखों की तादाद में अंतिम यात्रा में शामिल हुए भक्त। झालावाड़ के चौमला में 13 वर्ष पूर्व हुई लूट की वारदात के मामले में लिप्त अंतिम आरोपी को किया गिरफ्तार। 4 अन्य आरोपियों को पूर्व में किया जा चुका है गिरफ्तार। अजमेर में मोंटू ने नशे की हालत में मां को कहे अपशब्द। दिनेश ने छोटे भाई मोंटू को कैंची से की हत्या। और कानपुर देहात में प्रेमी प्रेमिका से मिलने पहुंचा ससुराल। प्रेमी की प्रेमिका के पिता और चाचा ने गला दबाकर की हत्या। और अब खबरें विस्तार से। लोकमान्य संत वरिष्ठ प्रवर्तक शेर राजस्थान रूपमुनि रजत महाराज का बीती रात अहमदाबाद के एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके देवलोक गमन होने की अधिकृत सूचना गुरुजी रूप सुकून चातुर्मास व्यवस्था समिति जयतारण के चेयरमैन मोहनलाल गढ़वाणी, अध्यक्ष सोहन राज मेहता, कार्याध्यक्ष राजेंद्र नाबरिया ने दी है। उल्लेखनीय है कि जयतारण चातुर्मास प्रवास के दौरान संत रूपी रूपमुनि के पैरों में दर्द की शिकायत होने पर उन्हें जयतारण से अहमदाबाद रेफर किया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उनके चेहरे पर लकवा हो गया। लगभग एक माह बाद अहमदाबाद में इलाज चलने के बाद चिकित्सकों के लाख जतन के बाद भी उन्हें नहीं बचाया जा सका। शुक्रवार देर रात को 95 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया। उनकी पार्थिव देह जयतारण स्थित मधुर केसरी पावन धाम लाई जाएगी। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि गुरुदेव का 94वां जन्म दिवस जयतारण में 20 अगस्त को मनाया जाना प्रस्तावित था। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ईश्वर सिंह सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी ईश्वर जी, बताएं। राजस्थान प्रमुख जेल संत रूपमुनि जी महाराज ने शुक्रवार को 2:45 पर अहमदाबाद के सौल हॉस्पिटल में अंतिम सांस ली थी। जी, जीवन के 89 वर्ष पूरे होने पर उन्होंने 77 साल में संत के रूप में जैन दर्शन के साथ जीव रहे हुए मानव सेवा की साधना में बताए। जी, जैन दीक्षा लेने के बाद उन्होंने सब साधारण समाज को जोड़ने के उन्हें प्रमुख रूप में भागीदारी बनाई थी। जी, यही कारण था कि वे लोग मारे संत कह रहे, उनके शिष्यों ने उनके कई सेवा रूप देखे। यही वजह है कि उन्हें वे त्याग के समाचार से 36 को हमें सौ की लहर छा गई है। जी, शनिवार को आज जैतान के पावन धाम में अंतिम संस्कार में देश भर से प्रदेश से हजारों लोगों की पहुंच से पहुंच पात्र रहे। जी, तो इस वक्त कैसा माहौल है उनके भक्तों के बीच में, कि किस तरह की भीड़ देखी जा रही है वहां पर और किस तरह की एक उदासी होगी माहौल में, किस तरह का माहौल है वहां पर अभी? जैतारण तहसील के अंदर पूरी चौक की लहर छा चुकी है। कस्बा पूरे पूर्ण तरह से पूरा बंद है। जी, कई प्रदेश से आला अधिकारी भी वहां पहुंच चुके हैं और वहां पर पांव रखने के लिए जगह नहीं है। जी, तो इतनी भीड़ वहां इकट्ठी हो चुकी है और गुलाल गुलाल पूरा शहर के अंदर लाल गुलाल से वो रंग गया है। जी जी, उनकी प्रमुख विशेषता जा रही थी, उन्होंने सबसे पहले ये जितने भी गौ रक्षक वगैरह सब जितने भी ये है अध्यापन करवाई थी। जी, उसकी प्रमुख ये कारण है, उनके कई शिष्य जो है कल रात को, मतलब कि शनिवार रात को सुनते ही, ये खबर सुनते ही बेंगलोर मद्रास चेन्नई कलकत्ता से खबर सुनते ही रवाना हो चुके थे। 2 बजे से 3 बजे तक यहाँ पहुंच गए थे। जी, ये माहौल यहाँ पर देखने मेले जैसा माहौल लग रहा है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए ईश्वर जी। तो ये थे हमारे संवाददाता ईश्वर सिंह सूर्यवंशी, जिन्होंने बताया कि उनके देहांत के बाद, रूप मुनि जी महाराज के देहांत के बाद किस तरह का माहौल पूरे शहर में देखने को मिल रहा है। लोग गम में डूबे हुए हैं और किस तरह से पूरा शहर गुलाल से भर दिया गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर के लिए। अजमेर में समिति ट्रस्ट के अनुसार मेले से एक दिन पूर्व दिनांक 19 अगस्त को रात्रि 8 बजे से
बालाजी का जागरण रखा गया है, जिसमें अजमेर के मुरली मनोहर ग्रुप की ओर से भजनों की प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस अवसर पर बालाजी का विशेष श्रृंगार किया जाएगा। दूसरे दिन दिनांक 20 अगस्त दशमी को राजगढ़ मसाणिया भैरव धाम के मुख्य उपासक चंपालाल जी महाराज के हाथों सायं 6 बजे झंडारोहण किया जाएगा। इसी के साथ मेले की शुरुआत होगी। वार्षिक मेले के उपलक्ष्य में बालाजी मंदिर को विशेष रोशनी से सजाया जाएगा। नमस्कार, मैं कन्हैयालाल कहार, बालाजी पंचायत बालाजी ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष। मैं आपको बताना चाहता हूँ, कल हमारा जागरण का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें हमारे समाज के प्रतिभावान बच्चे जो पढ़े हुए लिखे हैं उनको सम्मानित करेंगे और उनकी डांस प्रतियोगिता है। उसके बाद में अगले दिन हमारा मेले का आयोजन है, जो 51 जिसका आकर्षण होगा 51 फीट का झंडा, जिसका विविध उद्घाटन हमारे श्री राजगढ़ धाम के महाराज श्री चंपालाल जी महाराज करेंगे, जो हमारा झंडा यहाँ से कलेक्टर थाने से रवाना हो गया मार्केट तक जाएगा और वापस यहीं आएगा। ये सर 354वां मेला है हमारा, और इसमें हमारे सभी कार समाज के बच्चे और सभी शामिल होते हैं। इष्ट देवता है हमारे बालाजी महाराज। ये मूर्ति पानी में बहकर आई थी, इसको हमने प्रतिष्ठित करा इस मंदिर में, और जब से ही हम इसको मेला भराते आ रहे हैं। श्रावण सुदी की दशमी को हम इसका मेला भराते हैं। बयाना कस्बे में अब अपराध, अपराधियों और संदिग्ध गतिविधियों पर पुलिस की तीसरी आंख रहेगी, जिसके लिए अब बयाना में विभिन्न स्थानों पर सीसीटीवी कैमरा लगाने का काम शुरू किया जा रहा है। योजना को अंजाम देने के लिए नगर पालिका की ओर से जयपुर की एक फर्म को ठेका दिया गया है। नगर पालिका की तरफ से विधायक निधि से 10 लाख रुपए देकर के हमने सीसीटीवी कैमरों के लिए टेंडर जारी कर दिया है, जो कि नाइट फिक्सल कैमरे लगवाए जाएंगे। उनके लिए पुलिस के सहयोग से जगह भी चिन्हित कर ली गई है, और इन कैमरों के लग जाने से हमारे बयाना शहर में जो आपराधिक घटनाएं घटती थी उन पर अंकुश लगेगा, और इसका सारा कंट्रोल पुलिस के यहाँ रहेगा, पुलिस थाने में। और इनसे जो चोरी की या किसी भी तरह की जो आपराधिक वारदात होती थी उन पर और अंकुश लग जाएगा, और उच्च क्वालिटी के सीसीटीवी कैमरे हमारी नगर पालिका द्वारा विधायक निधि से लगवाए जा रहे हैं। बयाना नगर पालिका की तरफ से हम यहां पे बयाना कस्बे में सीसीटीवी कैमरे लगाने का कार्य शुरू कर रहे हैं, जो कि हमें मिला है कॉन्ट्रैक्ट। अभी यहां पे सर्वे किया जा रहा है, और उसमें कहां कहां लगने हैं वहां अपन सीसीटीवी कैमरे लगाएंगे, और जल्द ही बयाना सिटी सीसीटीवी की निगरानी में आ जाएगा। जयपुर जिले के सांबर कस्बे में इन दिनों राजनेट नेटवर्क की लाइनें डालने का कार्य जोरों पर संचालित हो रहा है। साथ ही राजनेट के नेटवर्क लाइन डालने वाली कंपनी और सुपरवाइजर ओम प्रकाश शर्मा स्थानीय जलदाय विभाग सार्वजनिक निर्माण विभाग को लाइन डालने के बारे में किसी प्रकार की बगैर सूचना से जगह जगह मुख्य मार्गों को तोड़फोड़ करने से जलदाय विभाग की मुख्य पाइपलाइनें जगह जगह से जीर्ण शीर्ण हो जाने से 4 से 5 रोज से पानी की सप्लाई बाधित हो रही है। साथ ही टेलीफोन लाइनें भी बाधित हो जाने से आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हजारों लीटर बीसलपुर परियोजना का पानी सड़कों पर नदियों बनकर व्यर्थ हो रहा है। अब 5 दिन से पानी की सप्लाई नहीं आ रही है, और बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। उनको सूचित भी कर दिया था वाटर वर्क्स वालों को हमने, फिर यहाँ पे आज पाइपलाइन फूटी हुई है, तो हमने 8:30 बजे उनको कॉल करके बता दिया कि साहब आपकी पाइपलाइन फूटी हुई है और बहुत सारा पानी वेस्ट जा रहा है, पानी पीने के लिए नहीं मिल रहा, लेकिन नालियों में जा रहा है, कोई सुनाई नहीं हुई। बोले कि हाँ अभी आ रहे हैं। उसके 10 मिनट बाद उन्होंने सप्लाई बंद कर दी। 10 मिनट का पानी दिया, आधी टंकी पानी की भरी है, उसमें भी 5-5 दिन से पानी आ रहा है। इस पास की रोडों की हालत ऐसी हो गई, दरिया बन चुके हैं, 2 जगह पाइपलाइन फूटी हुई है, और पानी इतना बहरा है, जनता पानी के लिए त्राई त्राई कर रही है, ना अधिकारी सौंप रहे हैं, ना प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना यहाँ के कोई नेतागण कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है इस गाँव में। हुकुम चंद काटा, बीजेपी
ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष शहर बीकानेर की ओर से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। एडवोकेट असद रजा भाटी, जिलाध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा बीकानेर की ओर से समस्त देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त भाजपा कार्यकर्ता एवं मित्रगण आबू रोड की तरफ से निखिल कुमावत को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा सिरोही जिला मंत्री बनाए जाने पर हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। मैं जयप्रकाश शर्मा, ऑनर ऑफ जय मोटर्स सुजुकी, करौली रोड गणेश रिसोर्ट के पास हिंडौन सिटी, जिला करौली, राजस्थान, आप सभी क्षेत्रवासियों को बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि मैं अपने शोरूम से सैकड़ों बाइक सेल कर चुका हूं और मैं सभी शहरवासियों से अनुरोध करता हूं कि एक बार हमारे शोरूम जय मोटर्स सुजुकी पर पधारकर हमें सेवा का मौका दें। शर्मा, सुजुकी का शोरूम, अपनी सुजुकी गाड़ी बड़ी अच्छी चल रही है, गणेश होटल के पास में करौली रोड हिंडौन सिटी। अब इसको खोले हुए एक साल हो गया है और काफ़ी अच्छी सेल है इसकी, ये सैकड़ों गाड़ी निकल चुकी है। धन्यवाद। जय मोटर्स सुजुकी, करौली रोड गणेशम रिसोर्ट के पास हिंडौन सिटी बाईपास चौराहा। नमो नमो मोर्चा भारत की ओर से आनंद राज जी को प्रदेश अध्यक्ष युवा शाखा राजस्थान के पद पर नियुक्ति के लिए बधाई एवं ढेरों शुभकामनाएं। प्रतिवर्ष 25% प्रवेश निशुल्क, उत्कृष्ट शिक्षण हेतु धौलपुर जिले की बेहतरीन फैकल्टी, कमजोर विद्यार्थियों के लिए विशेष व्यवस्था, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए विज्ञान वाणिज्य और कला वर्ग उपलब्ध। तो आज ही आए राज सिंह परमार द्वारा संचालित जीएस ईवीएम स्कूल में और अपने बच्चों का बेहतरीन भविष्य सुनिश्चित करें। संपर्क करें 9983-096433-4। ये नाम ही है भरोसा, ऑस्कर क्लासेस, पढ़े वहां जहां सिलेक्शन हो। नए बैच प्रारंभ गुरुवार 2 अगस्त, मेला का चौराहा बांदीकुई रोड राजगढ़ अलवर, मोबाइल नंबर 9413331746 7737519007। क्लासेज राजगढ़ पिछले 3 साल से यहाँ कोचिंग चला रहे हैं हम, तो हमारे यहाँ पे पिछले 3 साल से करीब 50+ सिलेक्शन दिए हैं हमने और लोगों के प्रति यहाँ पे विश्वास है कि हमारी ऑस्कर्स क्लासेज इसी तरह आगे चलती रहें और इसी तरह से हमारे बच्चे सिलेक्शन लेते रहें। ऑस्कर्स क्लासेज राजगढ़ पिछले 3 वर्षों से लगातार इस राजगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। इस सब का परिणाम यहाँ के विद्यार्थियों का सहयोग व समस्त स्टाफ का सहयोग रहा है। हम पिछली भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, इनमें हमारे संस्थान से काफ़ी विद्यार्थियों का चयन हुआ है। ये नाम ही है भरोसा, ऑस्कर क्लासेज, पढ़े वहाँ जहाँ सिलेक्शन हो। झालावाड़ के चौमला में थाना अधिकारी बन्नालाल चौधरी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक पारस सोनी के सुपरविजन में टीम गठित कर
चौमला कस्बे के फाटक बाहर रतन श्री ज्वेलर्स की दुकान पर दुकान मालिक अशोक सोनी के साथ मारपीट कर फायरिंग कर 10 किलो चांदी लूटकर फरार हुए आरोपी में फरार चल रहे नारायणपुरा कंजर डेरा सदर थाना झालावाड़ निवासी कैलाश पुत्र राम बख्श को मुखबिर की सूचना पर बामन देवरिया फंटे से गिरफ्तार किया गया। इस मामले में लिप्त 4 अन्य आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार कर दिया जा चुका था। इस कार्रवाई में पुलिस दल में श्रवण कुमार, राजेश कुमार, कप्तान सिंह, गौरी शंकर शामिल रहे। बाबिनी में भामाशाहों की ओर से 4 लाख रुपए की लागत से बनाई गई प्याऊ का उद्घाटन किया गया। प्याऊ का निर्माण होने से लोगों को पानी की सुविधा मिलेगी, लोगों को गर्मी में पानी की समस्या से परेशान नहीं होना पड़ेगा। उद्घाटन में मुख्य अतिथि बाबिनी पंचायत समिति के प्रधान कुंभ कंवर व विकास अधिकारी आईदान सिंह की अध्यक्षता में प्याऊ का शुभारंभ किया गया। अलवर गेट थाना क्षेत्र में मां के बारे में अपशब्द कहने से खफा बड़े भाई ने छोटे भाई पर धारदार कैंची मारकर उसकी जान ले ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गुलाबबाड़ी आम का तालाब निवासी दो सगे भाई मोंटू और दिनेश के बीच सिर्फ इतनी सी बात के लिए झगड़ा हुआ था कि मोंटू ने नशे की हालत में मां के बारे में अपशब्द कह दिए थे। बात इतनी बढ़ गई कि दोनों भाइयों के बीच तकरार के बाद खूनी संघर्ष हो गया और दिनेश ने छोटे भाई मोंटू पर धारदार कैंची से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अपना घर सेवा समिति उपशाखा वैर ने भरतपुर स्थित बजेरा आश्रम को रसद सामग्री और अन्य सामान के लिए नकद राशि भेजी। संयोजक घमंडी लाल मीणा ने बताया कि इकाई वैर के तत्वावधान में 50 कट्टा गेहूं, 16 कट्टा चूरी, 1 कट्टा खल, 1 कट्टा चावल, 1 कट्टा जौ भरतपुर स्थित बजेरा आश्रम को भिजवाया था और एक चेक सहित 16,860 रुपए की राशि भिजवाई थी। संयोजक घमंडी मीणा ने रसद सामग्री से भरे वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। समिति से संयोजक गवंडी लाल मीणा ने बताया कि अपना घर आश्रम भरतपुर के लिए यहाँ से 50 कट्टा गेहूँ, 16 कट्टा चूरी, 1 कट्टा खल, 1 कट्टा चावल, 1 कट्टा जौ अपना घर आश्रम के लिए कस्बा उहेर की तरफ से, गांव मोरदा कस्बा उहेर की तरफ से रवाना किए गए। 11,850 रुपये नगद अन्न प्रदान हेतु नगद आए, जो 5,000 का एक नगद चेक। कानपुर देहात में युवक को प्यार करना महंगा पड़ गया। युवक को अपना प्यार तो नहीं मिला मगर प्यार करने की सजा में मौत जरूर मिल गई। दरअसल एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने उसके ससुराल पहुंच गया, वहीं प्रेमी युवक की लड़की के पिता और चाचा ने उसे गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को नदी में फेंक दिया। मौत के आगे प्यार की ताकत छोटी पड़ गई। एक बार फिर इस घटना से लोगों में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतक की प्रेमिका सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ढाल सिंह रावत उपाध्यक्ष लाडपुरा की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व भाजपा पार्षद देशनोख गोपाल मेहता की ओर से सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूर्व भाजपा पार्षद देशनोख गोपाल मेहता की ओर से सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गोपाल सिंह मेहतिया
सरपंच ग्राम पंचायत सथाना पंचायत समिति रिया बड़ी जिला नागौर की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मोबाइल नंबर सर गोपाल सिंह मेड़तिया सरपंच ग्राम पंचायत सथाना पंचायत समिति रिया बड़ी जिला नागौर की ओर से सभी क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मोबाइल नंबर 7568466711। जुगराज बाबरी उप सरपंच ग्राम पंचायत आलमियावास पंचायत समिति रिया बड़ी जिला नागौर की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। समाज सेवक कांतिलाल चतराजी घाची गांव पावा जिला पाली राजस्थान की ओर से सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लीखा राम सरपंच पति व समाज सेवी बीजाथल की ओर से समस्त क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। समस्त प्रदेशवासियों को राधा देवी सरपंच ग्राम पंचायत बीजाथल पंचायत समिति रिया बड़ी जिला नागौर की ओर से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। राकेश राज पुरोहित व्यवस्थापक ग्राम पंचायत लाडपुरा पंचायत समिति रिया बड़ी जिला नागौर की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। सफी मोहम्मद व्यवस्थापक लाडपुरा पंचायत समिति रिया बड़ी जिला नागौर की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तेजाराम अध्यक्ष ग्राम सेवा सहकारी समिति ग्राम लाडपुरा पंचायत समिति रिया बड़ी जिला नागौर की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नाम ही है भरोसा। ऑस्कर क्लासेस पढ़े वहां जहां सिलेक्शन हो। नए बैच प्रारंभ गुरुवार 2 अगस्त मेला का चौराहा बांदीकुई रोड राजगढ़ अलवर। मोबाइल नंबर 9413331746777571900। क्लासेस राजगढ़ पिछले 3 साल से यहां कोचिंग चला रहे हैं हम। तो हमारे यहां पे पिछले 3 साल से करीब 50 प्लस सिलेक्शन दिए हैं हमने और लोगों के प्रति यहां पे विश्वास है कि हमारी ऑस्कर क्लासेस इसी तरह आगे चलती रहे और इसी तरह से हमारे बच्चे सिलेक्शन लेते रहें। ऑस्कर क्लासेस राजगढ़ पिछले 3 वर्षों से लगातार इस राजगढ़ क्षेत्र का एक अग्रणी संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है। इस सब का परिणाम यहाँ के विद्यार्थियों का सहयोग व समस्त स्टाफ का सहयोग रहा है। हम पिछली भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, इनमें हमारे संस्थान से काफ़ी विद्यार्थियों का चयन हुआ है। ये नाम ही है भरोसा। ऑस्कर क्लासेस पढ़े वहाँ जहाँ सिलेक्शन हो। राजकीय विद्यालय खादवो की ढाणी में पौधारोपण कर पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया गया। पौधारोपण समारोह में मुख्य अतिथि सांगरिया उप सरपंच लक्ष्मण राम चौधरी, समाज सेवी हेमाराम मेघवाल, भाजपा नेता बोलाराम पटेल, प्रधान अध्यापिका विमला गहलोत, नौजा पटेल, भरता राम और युवाओं के द्वारा पौधारोपण कर पौधे को हरा भरा और सार संभाल करने की जिम्मेदारी ली गई। बूंदी जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र के जाखमुंड गांव की नाबालिग लड़की द्वारा 26 नवंबर 2015 को अपने चचेरे भाई के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था, जिस पर सुनवाई करते हुए SC/ST कोर्ट ने आरोपी पिंटू रेगर को नाबालिग चचेरी बहन को डॉक्टर को दिखाने के नाम पर कोटा में कमरे में ले जाकर बलात्कार करने, बात किसी को ना बताने और डरा धमका कर बार बार बलात्कार करने के मामले में आजीवन कारावास और 20,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई। आरोपी पिंटू द्वारा बार बार बलात्कार करने से पीड़िता गर्भवती भी हो गई, जिसके 2 माह का गर्भ था। आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। पीड़िता उसके पिता और माता द्वारा मुलजिम पिंटू रेगर के खिलाफ पुलिस थाना तलडा में 306/3/4 पॉक्सो एक्ट के मुकदमा दर्ज करवाया गया था। पीड़िता है जो अभियुक्त की चचेरी बहन है। आज माननीय न्यायालय में उसमें
मुलजिम को 376/4 पॉक्सो एक्ट में दोषी करार दिए जाकर आजीवन कारावास और 20,000 रुपये के दंड से दंडित किया गया है। कितने गवाह कितने दस्तावेज इसमें अभियोजन द्वारा करीब 10 गवाह और 20 दस्तावेज पेश किए गए। कब हुई थी घटना? ये सन 2015 की घटना है। मुलजिम उसका पीड़िता का चचेरा भाई है, उसको डॉक्टर को दिखाने ले गया, घर पर ले गया और उसके बाद उसने अपने घर पर उसके साथ उस बलात्कार किया। 2 महीने से गर्भवती और पीड़िता दो माह से गर्भवती भी हो गई थी। आज माननीय न्यायालय द्वारा ये मानकर कि मुलजिम द्वारा अपने रिश्ते को कलंकित किया गया है, उसको आजीवन कारावास से दंडित किया। जोधपुर के शेरगढ़ में अंबेडकर भवन में SC/ST समाज की बैठक आयोजन किया गया। बैठक के दौरान लोहावट तहसील के छीला गांव में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने खंडित कर दिया था, जिसके बाद आज तक छीला गांव में दलित समाज के लोगों द्वारा अनिश्चितकालीन तक धरना दिया जा रहा है। इसके बाद दलित समाज के लोगों ने छीला गांव में दलित महापंचायत का आयोजन करने का निर्णय लिया, जिसमें 23 अगस्त को छीला में दलित महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शेरगढ़ से सैकड़ों की तादाद में SC/ST समाज के लोग वाहनों के साथ छीला पहुंचेंगे। भीमाल निकटवर्ती जूजाणी गांव में देर रात्रि में अज्ञात चोरों ने हनुमान मंदिर और मस्जिद और एक दुकान को निशाना बनाया। चोरों ने ताले तोड़कर नकदी और जेवरात पार कर दिए। घटना की सूचना मिलने पर भीमाल पुलिस थाना में जाप्ता के साथ मौके पर पहुंची और मौका मुआयना किया और पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी। चोरी में नकदी का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है, पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्यमेव न्यूज़।